हर दिन तमिलनाडु में बीजेपी का कोई ना कोई टॉप लीडर मौजूद रहता है। तमिलनाडु का सियासी इतिहास बदलने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मेगा रोड शो किया। शाह का रोड शो जहां से भी गुजरा सिर्फ कमल के निशान और लोगों का हुजूम दिखाई दिया। शाह के रोड शो में इतने लोग उमड़े थे कि शाह को बीच चौराहे पर रुककर ही अपना भाषण देना पड़ा। मैं तमिलनाडु में जहां पर भी जाता हूं 400 पार का नारा लोग लगाते हैं। देखो भाइयों बहनों, 400 पार जरूर करना है, मगर पोन्नार के साथ करना है। तमिलनाडु में बीजेपी का ग्राउंड वर्क का जिम्मा अन्नामलाई के पास है। 2-3 साल में ही अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी के समर्थन में एक बड़ा जनसैलाब खड़ा कर दिया। तभी तो बीजेपी तमिलनाडु में डबल डिजिट में सीटें जीतने का दावा कर रही है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी और पीएमके के बीच गठबंधन है। बीजेपी 29 तो पीएमके 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 400 के टारगेट को अचीव करने के लिए बीजेपी तमिलनाडु में भी कमल को डबल डिजिट में पहुंचाने के लिए एक्टिव है।